ऑलरेडी पूरे देश में हीट वेव चल रही है, रायसेन में भी दिनों दिन तापमान बढ़ता जा रहा है। इस सब को मद्देनजर देखते हुए अब न्याय विभाग ने ये कोशिश की है कि वह यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। कल हमारी यहाँ पर माननीय न्यायाधीश जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम पर्यावरण दिवस के दिन से लगातार वृक्षारोपण करेंगे और उनका लक्ष्य है कि 10,000 पौधे यहाँ लगाए जाएं। हमने उनसे पूछा कि पौधे तो लग जाते हैं लेकिन उनकी कोई देखभाल नहीं की जाती। तब न्यायाधीश बोले कि इसके लिए हमने एक ऐप बनाया है, हम उसकी पूरी देखभाल करेंगे। यदि इसमें कोई भी सर पर्यावरण को लेकर कुछ कर रहे हैं क्या आप लोग? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा हमको निर्देशित किया गया है कि जो 5 जून पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस होता है उससे लेकर के और जुलाई एवं 15 अगस्त तक हम लोगों को विशेषकर वृक्षारोपण करवाकर पर्यावरण में सहयोग करने की हमसे अपेक्षा की गई है। सर उसमें क्या करना है आपको? उसके तहत हम लोग जगह जगह जाकर लगभग 10,000 पौधों का वृक्षारोपण का टारगेट रखा है और उसको जगह जगह जाकर के जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, अन्य सरकारी जगह है, फॉरेस्ट में खुद जाकर के और पौधों का वृक्षारोपण करेंगे और दूसरों से करवाएंगे। साथ ही वृक्षारोपण करने और करवाने के संबंध में लोगों को जागरूक करेंगे, पर्यावरण के संबंध में लोगों को जागरूक करेंगे और उन्हें पर्यावरण से होने वाले प्रभाव यानी कि जिस तरह से अभी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है 45-46 डिग्री टेम्परेचर हमारे रायसेन का जा रहा है, अगर ये इस तरह से पेड़ कटते रहे और पेड़ नहीं लगाए गए तो आगामी 5 वर्ष में यही टेम्परेचर बढ़ करके 52-53 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा जो कि मानव एवं पशु पक्षियों को जीवन यापन करने के लिए बहुत ही कष्टकारक एवं दुखदायी होगा। सर देखा यह गया है कि पौधे लगाने के बाद वो पेड़ बन नहीं पाते हैं, बीच में ही उनकी देखरेख नहीं की जाती है। ऐसा हम लोगों को द्वारा एक ऐप को जनरेट किया गया है, उस ऐप के तहत हम देखा करेंगे और उनका सुपरविजन किया करेंगे। जो पौधे हमने लगाए हैं या अन्य लगे हुए पौधों को हम लोग उस ऐप के माध्यम से और मौके पे जाकर सुपरविजन समय समय पर करेंगे जिससे पता चले कि पौधे प्रॉपर ग्रोथ कर रहे हैं या उनको कोई क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है। यदि उनको कोई क्षति पहुंचाता हुआ मिला तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे और पौध ग्रोथ नहीं कर रहे यदि पौधे तो उनके संबंध उनके लिए भी फॉरेस्ट विभाग से मिलकर के हॉर्टिकल्चर विभाग से मिलकर के उनको उचित खुराक देंगे और उनको ग्रोथ कराएंगे।